इंटेलेक्ट आइस में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लास के तहत आज हम लोग चार ऐसे न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो पिछले साल इम्पॉर्टेंट था और आपके 2020 का यूपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसमें भी ये हेल्पफुल है। तो फर्स्ट न्यूज़ है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ओके। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला किया है, ठीक है। तो ये पहला न्यूज है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। जिस और ये है कहाँ, तो एक तो फर्स्ट ये बात देख लीजिए कि ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व, ठीक है, बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी फॉरेस्ट एरिया को टाइगर रिजर्व कैसे घोषित किया जाता है इसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, कोई भी फॉरेस्ट को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है किसके द्वारा, तभी राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा, लेकिन कब घोषित किया जाएगा, जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जब ये क्या कर दे, अप्रूव कर दे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रूवल के लिए भेजेगी कि हम लोग क्या चाहते हैं, वी वांट टू रिजर्व सम एरिया ऑफ सम फॉरेस्ट एज अ टाइगर रिजर्व। कोई भी राज्य सरकार क्या करेगी, NTCA के पास एक आवेदन करेगी कि हम इस फॉरेस्ट एरिया को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वॉन्ट टू रिजर्व सम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एज अ टाइगर रिजर्व। अब सरकार इसके पास एप्लीकेशन भेजेगी और इस एप्लीकेशन को अप्रूव कौन करेगा, NTCA करेगी। जब ये अप्रूव कर देगा तभी कोई भी एरिया, कोई भी फॉरेस्ट एरिया किसी स्टेट का किसमें चेंज होगा, तो टाइगर रिजर्व में चेंज होगा, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, इसका अप्रूवल आवश्यक है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है क्या। तो देखिए, आपको मालूम है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन संरक्षण एक्ट 1972 में पास किया गया था, ठीक है, जो क्या किससे रिलेटेड है, जीव जो हैं, वन्य जीव जो हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया, ओके। अब इसी इसके क्या कहते हैं, इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2006 में कुछ अमेंडमेंट करके एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2006 में अमेंड किया गया, ठीक है, और 2006 में क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया और NTCA के गठन के लिए, वैसे इसका जो NTCA है 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, बट 2006 एक्ट से अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया गया, एक स्टेचुअरी बॉडी में करेक्ट कर दिया गया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया। स्टेचुअरी बॉडी मतलब होता है सांविधिक संस्था के रूप में, ठीक है ना, सांविधिक संस्था के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया स्टेचुअरी बॉडी में,
एस्टुअरी बॉडी में इसको परिवर्तित कर दिया गया। अब ये जो है एनटीसीए, ये किसके अधीन आता है? तो याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एनटीसीए जो है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को 2006 में अमेंड कर इसको क्या कर दिया गया, एक एस्टुअरी बॉडी में परिवर्तित कर दिया गया। एनटीसीए की स्थापना कब हुई? 2005 में हुई। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो यही अप्रूव करता है किसी भी क्षेत्र को अगर टाइगर रिजर्व बनाना है, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाना है किसी भी फॉरेस्ट एरिया को, तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? एनटीसीए से। ठीक है, पहले ये काम किस में होता था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया आता था, लेकिन अब उसके लिए एक अलग संस्था बना दी गई है। ठीक है, और इसके अप्रूवल मिलने के बाद ही किसी फॉरेस्ट एरिया को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा पहला न्यूज। और ये भी याद रखिएगा कि एनटीसीए जो है ये सांविधिक संस्था है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, और किसके अंतर्गत आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूज था। ठीक है, और रातापानी टाइगर रिजर्व जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं, रायसेन, सीहोर एंड भोपाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा देखिए और दूसरा न्यूज क्या है। दूसरा न्यूज है कि नीरी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा है स्टेट सर्विसेज में। देखिए नीरी है क्या? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंजीनियरिंग, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1958 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में है। ठीक है, नागपुर के बारे में 2 चीजें मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग घर जाते होंगे, रोड सड़क से जाते होंगे, तो जगह जगह आपको माइलस्टोन लगा रहता है कि 5 किलोमीटर, जैसे दिल्ली आ रहे हैं आप तो दिल्ली 5 किलोमीटर, दिल्ली 4 किलोमीटर, दिल्ली 1 किलोमीटर, बट आपको कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि दिल्ली 0 किलोमीटर। ठीक है, तो 0 किलोमीटर जो है इंडिया का वो कहां से स्टार्ट होता है? तो नागपुर से, 0 किलोमीटर स्टार्ट फ्रॉम नागपुर। अब ऐसा क्यों किया गया? एक तो सेंटर में है, प्लस पहली बार नागपुर प्लान बना था, नागपुर प्लान, नागपुर प्लान 1943 में, और 1943 में जो नागपुर प्लान बना था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। भारत में रोड के निर्माण के लिए ये पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम था, नागपुर प्लान। ठीक है, और इसी प्लान के तहत याद रखिएगा, अंडर दिस प्लान इंडियन रोड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। इसी प्लान के तहत भारतीय सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड,
एंड रूरल रोड, ठीक है, ये चार। अब तो खैर छह हो गए हैं, आप लोग को मालूम ही होगा छह कैटेगरी हो गया है। एक हो गया है आपको कौन सा, बॉर्डर रोड, ठीक है। 1960 में क्या बना था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर रोड बनाने में का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स इंस्टीट्यूशंस टू कंस्ट्रक्ट द रोड अलोंग बॉर्डरिंग बॉर्डर एरिया। और दूसरा इंटरनेशनल हाईवे, ठीक है, इंटरनेशनल हाईवे। तो ये है आपको सिक्स कैटेगरी, बट चार कैटेगरी कहां से आया, तो नागपुर प्लान से आया, ठीक है ना। एंड नागपुर प्लान वॉज द फर्स्ट प्लान, एलोबोरेट प्लान, फर्स्ट प्लान फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड नेटवर्क इन इंडिया। ये पहला प्रोग्राम था भारत का। तो पूछा जाता है कभी कभी कि नागपुर प्लान किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो नागपुर प्लान वॉज रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ रोडवेज इन इंडिया, ठीक है। तो और नागपुर से ही हमारा क्या शुरू होता है, जीरो माइल शुरू होता है, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो रोड डिस्टेंस जो हम करते हैं ना, जीरो माइल, जीरो किलोमीटर जो माइलस्टोन मिलता है, आप कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी आप नहीं मिलेगा आपको कि जीरो किलोमीटर, दिल्ली जीरो किलोमीटर, या रोहतक जीरो किलोमीटर, या पटना जीरो किलोमीटर, नहीं मिलेगा आपको। एक किलोमीटर मिल जाएगा लेकिन जीरो किलोमीटर नहीं मिलेगा। जीरो किलोमीटर बिगिंस फ्रॉम नागपुर, ठीक है। और नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। खैर, अब देखिए नागपुर में क्या है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये थोड़ा मैंने नागपुर के बारे में बता दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी जो है, इसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका हेडक्वार्टर कहां है, नागपुर में। इसके क्या क्या फंक्शन है, तो किस पर फोकस करता है, तो सबसे पहला फोकस इसका वाटर सप्लाई पर, वाटर सप्लाई, ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसका सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल। अब ये काम नहीं करता, ये डिस्पोज नहीं करता, डिस्पोज का काम किसका है, म्यूनिसिपैलिटी का है, लेकिन ये क्या कर देता है, रिसर्च करता है कि कैसे हम सीवेज का इस्तेमाल करें ताकि पॉल्यूशन ना हो, हार्मफुल सब्सटेंस सीवेज का सॉयल में एक्यूमुलेशन ना हो, पानी में ना जाए, कैसे हम वेस्ट जो है सीवेज है उसका हम लोग क्या करें, प्रोडक्टिव यूज करें, इसके बारे में वो रिसर्च करता है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी, ये नीरी के काम है सारे, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद किसका, कॉम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो संचरणीय रोग है उसके बारे में भी क्या करता है, ये स्टडी करता है, ठीक है। कॉम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, उसके बारे में भी ये क्या कर देता है, रिसर्च करता है कि कैसे इसको कम किया जाए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, या जो भी पॉल्यूटेंट्स है उसको कैसे उसका डिस्पोज किया जाए। ये चार फंक्शन है किसके, नीरी के। अब देखिए क्या है, नीरी ने क्या किया है, स्टडी कंडक्ट किया है, स्टडी किया है किसका, यमुना की जो एरिया है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है यमुना रिवर के आसपास, वहां बहुत अधिक मात्रा में वेजिटेबल ग्रो किया जाता है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ और इन द बेसिन ऑफ और ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना का जो एरिया है, ठीक है, जो फ्लड प्लेन है, द फ्लड प्लेन ऑफ यमुना, वहां क्या है, लार्ज स्केल में वेजिटेबल एंड अदर फूड ग्रेन्स आर ग्रोन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स लाइक दिल्ली, ठीक है ना। क्या 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 कहा जाता है, अब बताइए, किसी बड़े शहर के आसपास सब्जी की खेती की जाती है, फूल की खेती की जाती है, फ्रूट की खेती की जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर,
which is practiced to supply the vegetable, fruits, flower to the metropolitan city. तो याद रखिएगा, उसको कहा था ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग इज द फार्मिंग इन विच द डिस्टेंस बिटवीन फार्म एंड मार्केट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर कवर्ड ड्यूरिंग नाइट. एक रात में ही क्या कर लिया जाता है, डिस्टेंस को कवर कर लिया जाता है. तो याद रखिए, अगर दिल्ली में सब्जी मंडी है, यहां से जितने दूर से सब्जी बाजार में चली आती है, फ्रेश वेजिटेबल, ये नहीं कि अनियन और ये आलू, क्योंकि वो तो स्टोर करके रखा जा सकता है. जिसको रात में खेत से तोड़े और उसको स्टोर, रात को ही उसको लोड किया और रात भर में ट्रक क्या किया, डिस्टेंस कवर करके सवेरे सवेरे 4 बजे मंडी में आकर के उसको उतार देता है. सो दैट इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड अराउंड बिग सिटीज. ठीक है, तो एक फार्मिंग होता है ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग में किसका प्रोडक्शन किया जाता है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, ठीक है ना, फ्लावर का. किसके लिए, फॉर द अर्बन सेंटर्स. और नाम क्यों पड़ा, ताकि रात में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कौन, ट्रक. और ये चीजें नई नई चीजें हैं, आप लोग को याद करना पड़ेगा. आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको ट्रक फार्मिंग. उसी तरह एक फार्मिंग है आपको फैक्ट्री फार्मिंग. फैक्ट्री फार्मिंग ये भी कहां होता है, अर्बन सेंटर्स के बगल में होता है. इसमें क्या करते हैं, इसमें पोल्ट्री फार्म, गोट, मछली, सॉरी मछली कहते हैं, सॉरी पोल्ट्री, मुर्गी के लिए और शिप के लिए, गोट के लिए, ताकि मांस की सप्लाई किया जा सके. दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग. और इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि मशीनों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों पर जानवरों को पाला जाता है. तो ऐसे फार्मिंग को फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है. ट्रक फार्मिंग द फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड वेरी नियर टू द अर्बन सेंटर्स, बिग अर्बन सेंटर्स. एंड व्हाई इट इज टर्म्ड एज ट्रक फार्मिंग, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म एंड मार्केट इज कवर्ड बाई ट्रक ओवर नाइट. ठीक है ना, रात में ही ट्रक क्या कर लेता है, उसको ओवरनाइट माने डिस्टेंस को कवर कर लेता है. तो देखिए, नीरी ने क्या देखा है कि यमुना का जो फ्लड प्लेन है, वहां बहुत सारे वेजिटेबल की खेती की जाती है. और नीरी ने रिसर्च किया तो पाया कि यहां के वेजिटेबल में जो लेड की मात्रा है, लेड सीसा की मात्रा, वो कितना है, 2.5 मिलीग्राम पर केजी. ठीक है, ठीक है, सॉरी 2.8 कितना है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको. जो नीरी ने जो यहां रिसर्च किया, स्टडी किया, तो पाया कि जो वेजिटेबल ग्रो किया जा रहा है फ्लड प्लेन ऑफ यमुना, दिल्ली में हो रहा है, फिर आपको सोनीपत में हो रहा है, जो इस एरिया फ्लड जो सप्लाई करते हैं और रेगुलरली उस एरिया में किया जाता है, एंड दैट वेजिटेबल इज सप्लाई टू द अर्बन सेंटर्स ऑफ दिल्ली, जो भी है, दिल्ली हो गया, फरीदाबाद हो गया, इन सब एरिया को. तो मीरी ने क्या पाया कि द लेड कंसंट्रेशन, द लेड कंटेंट, सीसा जो है, सीसे की जो मात्रा है, यहां के सब्जियों में कितना है, 2.8 मिलीग्राम पर केजी टू 13 मिलीग्राम पर केजी. इतना अधिक मात्रा में लेड. और लेड क्या करता है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर हम खाएंगे बॉडी में, तो अगर हम खाएंगे सब्जियां खाएंगे जिसमें लेड की मात्रा ज्यादा होती है,
ठीक है, तो हमारे बॉडी में वो क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा उसका, स्टोरिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। और ये स्टोर कहां होता है, तो फैट, जो फैटी पार्ट होता है हमारा, जो हमारे बॉडी का जो फैट होता है, इसलिए बहुत जल्दी वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता अगर वो, क्योंकि जो भी ये सब हार्मफुल सब्सटेंस है, लेड हो गया या फिर मर्क्यूरी हो गया, ये डिसॉल्व किस में करते हैं, तो दे आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर वाटर में डिसॉल्व होता तो क्या होता, वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता, थ्रू यूरिन हो गया या फिर स्वेट हो गया, इससे बाहर निकल जाता। बट दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इन द फैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे वसा में जाकर के वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। और जब लेड की मात्रा बढ़ती है तो उससे क्या होता है बॉडी में, तो एक तो मेंटल रिटार्डेशन होता है बच्चों में, उनका मानसिक ग्रोथ नहीं होता बच्चों का, मेंटल रिटार्डेशन, और दूसरा कैंसर की बीमारी होती है। ठीक है, अब देखिए FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका कहना है जो हमारे फूड मटेरियल्स को, जो भी हमारा हम फूड खाते हैं उसमें कितना, वो उसकी गुणवत्ता की जांच यही एजेंसी करती है। इसका कहना है अकॉर्डिंग टू दिस FSSAI कि द अमाउंट ऑफ लेड शुड नॉट बी मोर देन 25 मिलीग्राम पर केजी, इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो यमुना के किनारे जो वेजिटेबल्स हैं या फूड ग्रेन्स जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, बेसिकली वहाँ के, यहाँ के फार्मर्स जो हैं नियर बाई एरियाज के, वो वेजिटेबल्स ही ग्रो करते हैं इस एरिया में, तो उसमें कितनी मात्रा है लेड की, 2.8 मिलीग्राम पर केजी टू 13 मिलीग्राम पर केजी है। और FSSAI क्या कहता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई, 2011 में किया गया, और गुणवत्ता की जांच करता है ये कि स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं। 2011 में FSSAI इज एस्टैब्लिश्ड इन 2011, और किसके अंडर में है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अधीन इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, किस एक्ट के तहत, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंतर्गत FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, 2011 में किया गया। ये जो है FSSAI, ये किसके अंतर्गत है, किसके अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। और इसके 6 जोनल ऑफिसेज हैं, इसके 6 जोनल ऑफिसेज सेंटर्स हैं, तो 6 में तो 4 आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, 2 जो है, एक गुवाहाटी में है असम में, और दूसरा है कोची, तो कोची एंड गुवाहाटी, तो टोटल कितना हो गया, इसके 6 सेंटर्स हैं। जो क्या कर देता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच करता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने NERNE, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टडी किया, कहां का, तो यमुना के फ्लड प्लेन का।
ठीक है, और कहा कि यहाँ के जो खाना है उसमें क्या लेड की मात्रा बढ़ते चले जा रही है, और FSSAI क्या कहता है कि भोजन में लेड की मात्रा 2.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो यहां जो सब्जियां मिली हैं वो कितना है उसमें 2.8-13 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, ये जो लेड जो है, ठीक है, अब यहां लेड कहां से आता है, तो फैक्ट्रीज से आ जाता है, या फिर हमारा बैटरीज है, पेंट है, पॉलिथीन है, इन सबों में क्या है, लेड की मात्रा होती है, सीसे की मात्रा होती है, यही किसी तरह डिकम्पोज होकर के कहां चले जाते हैं, वाटर बॉडी में जाके मिल जाते हैं। अब देखिए NGT नेशनल ग्रीन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने क्या किया है, 2015 में एक गाइडलाइन जारी किया और कहा, NGT ने 2015 में बैन कर दिया कि आप किसी भी तरह की खेती नहीं करेंगे, कहां, फ्लड प्लेन ऑफ यमुना में। ठीक है, NGT ने क्या ऑर्डर दिया है कि यमुना के फ्लड प्लेन में किसी भी प्रकार का कोई भी चारा नहीं उत्पादन किया जाएगा, चारा मींस फॉडर, ठीक है ना, फॉडर किसके लिए, फॉर एनिमल एंड एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल, किसी भी प्रकार का वेजिटेबल हम यहां ग्रो नहीं करना है। NGT ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा NGT के बारे में बता देता हूं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई, एक्ट लाया गया 2010 में, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना की गई, एक्ट लाया गया और बनाया गया, और इसके पास जो भी केस आता है उसको वह NGT क्या करती है, विद इन सिक्स मंथ उस केस को सॉल्व करने का मैंने करती है उसे, और जो यहां एक्ट होता है, मैंने यहां के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं जो भी, वो नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, किस पर, नेचुरल जस्टिस पे, इट वर्क्स ऑन, NGT वर्क्स ऑन नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय पर यह कार्य करता है, न कि किस पर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो NGT है अपनी सुनवाई किसके आधार पर करता है, नेचुरल जस्टिस के आधार पर करता है, प्राकृतिक जस्टिस के आधार पर। लेकिन भारत में जो भी आपको ये दीवानी कानून होते हैं, दीवानी जो मामले होते हैं, उसकी सुनवाई किसके आधार पर की जाती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की तहत, क्योंकि दीवानी मामला है, फौजदारी मामला तो है नहीं, तो दीवानी मामलों, NGT जो है, याद रखिएगा, NGT फंक्शनड कैसे, फंक्शन करती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के आधार पर वह कोई भी निर्णय लेती है। लेकिन जब हम कोर्ट जाते हैं, कोई भी कानून, कोई भी हम केस लड़ने जाते हैं, कोई भी हम उस पर कोर्ट में हम सुनवाई होती है कोई भी किसी भी चीज की, अगर वो दीवानी मामला है तो उसका प्रोसीजर कैसे, उस समस्त जो भी दीवानी मामले हैं उसकी कार्रवाई कैसे होती है, किस आधार पर की जाती है, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो NGT, पहले मैंने NERI के बारे में बताया, नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नागपुर में है, कब बना, 1958 में बना, क्या क्या फंक्शन है, तो सीवेज डिस्पोजल के लिए वो काम करता है, काम इन द सेंस की रिसर्च करता है कि कैसे सीवेज को माने ये किया जाए, उसको डिस्पोजल में कैसे उसको डिस्पोज किया जाए ताकि इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल इंजेक्शन ना हो, कैसे उसका यूज किया जाए, मीन्स यूज
इंजीनियरिंग मेथड्स को यूज करता है। अब नीरी ने क्या किया, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। नागपुर क्यों फेमस है तो दो चीजों के लिए और, जो मैंने बताया आपको। पहला किसके लिए, तो 1943 में नागपुर प्लान, नागपुर प्लान किसके लिए था, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। इंडिया का पहला प्लान विच वॉज फॉर्म्ड बाय द विच वॉज प्रिपेयर्ड प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है ना। भारत में रोड बनाने का पहला प्रोग्राम जो लाया गया 1943 में अंडर नागपुर प्लान, और नागपुर में क्या है, जीरो माइल से स्टार्ट। तो नागपुर में, और इसने नीरी की जो हेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, नागपुर में है। तो नीरी ने क्या किया, स्टडी करता है वो, और फ्लड प्लेन ऑफ यमुना का स्टडी करके बताया कि यहां के जो भी फसल हैं, साग सब्जियां हैं, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, लेड की मात्रा ज्यादा है, सीसे की मात्रा ज्यादा है। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई, 2011 में की गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। इसके अनुसार खाने में कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें कितनी होनी चाहिए मात्रा, 2.5 से मिलीग्राम पर केजी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां के फूड में कितना है, 2.8 से लेकर के 13 तक है, 13.8 तक, 2.8 मिलीग्राम टू 13.8 मिलीग्राम, 13.8 अगर शायद मैंने पहले 13 लिखा था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, 13.8 तक, ठीक है। और एनजीटी ने 2015 में ही क्या किया था, बैन कर दिया था कि किसी प्रकार की कृषि नहीं की जाएगी, कहां, तो वो यमुना के फ्लड प्लेन में। अब एनजीटी जो है, इसकी स्थापना कब किया गया, 2010 में किया गया, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत। और ये किस आधार पर न्याय करता है, नेचुरल जस्टिस के आधार पर। इसके पास जो भी केस जाता है 6 महीना के अंदर इसको उस केस को क्या करता है, निपटारण करता है वो, विद इन 6 मंथ। और इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो किस पर बेस्ड नहीं है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 90 एक्ट पर बेस्ड नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये बाउंड नहीं है, इट इज नॉट बाउंड टू वर्क अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 90 जो दीवानी कोड है उसके अधीन ये काम नहीं करता। किसके अधीन काम करता है, नेचुरल जस्टिस के अधीन पर काम करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में की गई, और आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, भोपाल, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई एंड भुवनेश्वर, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, पुणे, सॉरी पुणे, ये चार इसके और भी क्या है, पीठ है, सिटिंग्स है। मेन सिटिंग इसका कहाँ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग, कहाँ ये कोर्ट बैठता है, मुख्य रूप से न्यू दिल्ली में बैठता है, लेकिन इसके चार, जो इस ट्रिब्यूनल के चार अदर प्लेसेस भी हैं जहाँ इसकी सिटिंग होती है, कौन कौन से, तो भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है और पुणे। तो ये चार प्लेसेस हैं जहाँ इसकी बैठक होती है, जहाँ इसके कोर्ट लगते हैं, लेकिन मेन सेटिंग कहां है, दैट इज इन दिल्ली, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी का सतह है ये, इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है, दैट इज कॉल्ड कर्मन लाइन, कर्मन लाइन, इसको कर्मन रेखा कहा जाता है। 1867 में एवरी कंट्री हैज एक्सेप्टेड, आपको याद होगा कि अगर हम दो देश हैं तो दोनों के बीच लैंड बाउंड्री होता है, तो
तो कोई कमीशन बना करके क्या कर दिया जाता है, लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 49 डिग्री लैटिट्यूड, 49 डिग्री अक्षांश किसको डिवाइड, किसके बीच बाउंड्री है, तो यूएसए और कनाडा के बीच बाउंड्री है। 38 डिग्री किसके बीच में है, तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में है। तो ये लाइन बाउंड्री है, इंडिया के बीच और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो रेडक्लिफ लाइन है, मैकमोहन राइड इंडिया और चाइना के बीच में, जो भी है। उसी तरह अगर वाटर बॉडी है, दो देशों के बीच वाटर बॉडी है, दो देशों के बीच अगर जल है, तब दो देशों की सीमा निर्धारित कैसे की जाएगी, तो थॉलवेग प्रिंसिपल के आधार पर, थॉलवेग प्रिंसिपल के आधार पर। उसी तरह एयर बाउंड्री डिसाइड किया जाता है हर एक देश का, जिसको डिसाइड कैसे किया जाता है, कर्मन लाइन के आधार पर, कर्मन रेखा के आधार पर, यानी कि एयर बाउंड्री को डिसाइड करता है। अब इस ये जो एरिया है, जैसे मान लिया कि इंडिया का एरिया है ये, और इसके ऊपर 100 किलोमीटर तक कौन सा है, ये कर्मन रेखा है, 100 किलोमीटर होता है। अब इस एरिया में कोई भी जहाज इंटर करेगा किसी भी देश का बिना परमिशन के, तो इंडियन एयरफोर्स क्या कर सकती है, उसको मार सकती है, विदाउट परमिशन अगर इंटर किया तो, क्योंकि ये किसका एरिया है, ये भारत का वायु क्षेत्र है, एयर बाउंड्री ऑफ इंडिया। इसके ऊपर क्या है, आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष है ये, आउटर स्पेस है ये, और ये किसी देश का नहीं है, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। अब देखिए ९९९ में एक समझौता होता है, क्योंकि सैटेलाइट वगैरह हम कहां प्लेस करते हैं, ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है। 1999 में, इन 1919 वियना, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, यहां एक मीटिंग होती है, और मीटिंग किसकी होती है, थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज, द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, यूज ऑफ आउटर स्पेस, यानी कि ये जो आउटर स्पेस है, ये जो बाह्य अंतरिक्ष है, ये आंतरिक, ये कौन सा है, आपको आउटर स्पेस है, इनर स्पेस कहा जाता है इसे, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का ये उसका एरिया होता है, वायु क्षेत्र होता है। इसे उसके ऊपर 100 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि कर्मन लाइन के ऊपर का जो एरिया, उसको आउटर स्पेस कहा जाता है। तो इस आउटर स्पेस का कैसे यूज किया जाए, पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो एक कंसेप्ट तो समझ में आया होगा आपको कि आउटर स्पेस किसे कहा जाता है, तो आउटर स्पेस इज अबव कर्मन लाइन। कर्मन लाइन कब ड्रॉ किया गया, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, 1867 में फ्रांस पेरिस में हुआ था मीटिंग, वहीं इसको एवरी कंट्री हैज एक्सेप्टेड कि यस ओके दिस इज वी आर एक्सेप्टिंग दिस। तो इस कर्मन लाइन के ऊपर आउटर स्पेस है। अब इस आउटर स्पेस का कैसे यूज किया जाए, एक तो यहां खोज किया जाए और इसका पीसफुल यूज कैसे किया जाए, इसके लिए एक मीटिंग होती है, कहां, वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, यहां एक मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि यहां जो भी सैटेलाइट होंगे, जिस देश का भी वो सेटेलाइट, अगर विश्व में कहीं भी कोई डिजास्टर आता है, कहीं भी कोई डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उसके बारे में सूचना इकट्ठा करके और क्या करेगा, संबंधित देश को देगा, कोई भी किसी भी देश का सेटेलाइट हो, चाहे फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, इटली का हो, किसी भी देश का हो। अगर सपोज कीजिए कि भारत इसका हिस्सा है, भारत इसका क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्पेस एंड मेजर डिजास्टर इंटरनेशनल चार्टर ऑफ, अब देखिए यही चार्टर बनाया गया 1999 में, क्या किया गया,
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, और ये जो मीटिंग में एक चार्टर तैयार किया गया, चार्टर का नाम क्या था, इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर, ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर, ये चार्टर तैयार किया गया किस मीटिंग में, तो थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस किसे कहा जाता है, आपको मैंने बता दिया कि 100 किलोमीटर से ऊपर का एरिया, कर्मन लाइन से ऊपर का एरिया आउटर स्पेस है। तो इस मीटिंग में एक चार्टर तैयार किया गया, और चार्टर का नाम क्या था, इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। अब इस चार्टर पे जिन जिन देशों ने साइन किया वो इसके पार्ट बन गए। अब देखिए, अब क्या है कि यहां किसी भी देश का, जैसे मान लिया कि इंडिया का सैटेलाइट है यहां, ठीक है, अमेरिका का सैटेलाइट है, फ्रांस का सैटेलाइट है, जर्मनी का सैटेलाइट है, और ये सभी किसके मेंबर है, इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर के। चार्टर पे सबके साइन है। और इंडिया में किसी जगह नेचुरल डिजास्टर आता, बाढ़ आता है, तब क्या करेंगे, जितने भी सैटेलाइट हैं, जो जो देश शामिल है इस चार्टर में, वो क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे क्या सूचना को कि कहां कहां बाढ़ है, क्या इंटेंसिटी है, और वो किसको देंगे, भारत को देंगे। अब यही हुआ है, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर का क्या है, सिग्नेचरी है, इस पर इसका पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। इंडिया ने इस चार्टर पर 2001 में साइन किया था, और यही कारण है कि अभी आपको बाढ़ आया था कहां, असम में, ठीक है। तो असम में जो बाढ़ आया था, उस पर, उस बाढ़ के समय, फ्लड के समय, फ्रांस, रसिया और चाइना, इन सभी देशों ने जो इसके मेंबर हैं, इन्होंने सैटेलाइट का यूज करके डिजास्टर एरिया के, जो भी संकट का एरिया था, डिजास्टर एरिया था, उसके बारे में जानकारी किसको दिया, भारत सरकार को। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर 2001 में इंडिया इसका मेंबर बना। कब बना ये चार्टर, तो 1999 में थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसका, द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। और अभी जो डिजास्टर हुआ था आपको, कहां, असम में बाढ़ आया था, काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ आया था, तो उसके बारे में पूरा डाटा, पूरा मैपिंग करके इंफॉर्मेशन अपने सैटेलाइट का ये इस्तेमाल किसने किया, चाइना ने, रशिया ने, फ्रांस ने, और इन तीनों ने क्या किया, भारत को डाटा उपलब्ध कराया कि देखिए क्या क्या चीजें, मैंने क्या डिजास्टर, मैंने डिजास्टर के बारे में पूरा डाटा अवेलेबल कराया। तो ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के बारे में, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, अब यहां एक चीज देख लीजिए, हमने बार बार यूज किया है किसको, सैटेलाइट का यूज किया है, ठीक है ना। तो आपको मैं तीन चीजें बता रहा हूं कि सैटेलाइट किसको कहा जाता है, स्पेस क्राफ्ट किसको कहा जाता है, और सटल किसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एक होता है सैटेलाइट, हम मैनमेड सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, दूसरा होता है स्पेस क्राफ्ट, और तीसरा होता है स्पेस शटल। और स्पेस शटल ये सब इसलिए बता रहा हूं कि यूपीएससी का मेंस में क्वेश्चन पूछा है यहां से, ठीक है। देखिए, सैटेलाइट किसको कहते हैं, वह कोई भी मानव निर्मित चीज, हम मानव निर्मित की बात कर रहे हैं यहां, जो जिसे पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। उपग्रह को हम, जैसे हमने कहां भेजा था, मार्स पे भेजा था, तो उसको हम उपग्रह नहीं कहेंगे, उसको सैटेलाइट नहीं कहेंगे, उसे हम
क्योंकि सेटेलाइट शब्द का इस्तेमाल कहां के लिए किया जाता है? सेटेलाइट वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर दोज मैन मेड थिंग्स विच आर सेंड इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, यानी कि मानव निर्मित कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा उसे ही हम सेटेलाइट वर्ड इस्तेमाल, उसी को हम सेटेलाइट वर्ड से संबोधित करेंगे। हम हमारा कहां गया? मार्स पे भेजा हम लोगों ने, मार्स ऑर्बिट, मार्स में भेजा, चंद्रयान भेजा, मंगलयान भेजा, कहां? मार्स पे मंगलयान भेजा, मार्स पे चंद्रयान भेजा, भेजा कहां? चंद्रमा पे, यानी कि ऑर्बिट ऑफ मून, ऑर्बिट ऑफ मार्स। तो उनको हम लोग सेटेलाइट नहीं कहते हैं, उसके लिए एक अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, और स्पेस शटल ये क्या होता है? इसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। इसमें क्या होता है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम लगा रहता है। तो स्पेस शटल उसी को कहा जाता है जिसमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हो एंड विच इज यूज बाई स्पेस ट्रेवलर। जैसे हम लोग भेजने वाले हैं 2022 तक, याद है आपको? नहीं, 2021 तक गगनयान, जिसमें 3 लोग जाएंगे, 1 फीमेल 2 मेल, गगनयान, ठीक है ना? और उसके लिए हमारा कौन सा है? GSLV मार्क 3 बाहुबली नाम दिया गया है, ठीक है? और हमारे जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उसको क्या नाम देंगे हम लोग? जैसे अमेरिका भेजता है तो क्या कहता है उसको? एस्ट्रोनॉट्स कहता है। जब रशिया भेजता है तो उसको कॉस्मोनॉट कहता है, और हम लोग क्या कहेंगे? व्योमनॉट्स कहेंगे। हमारे जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको हम लोग व्योमनॉट्स कहेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा ये चीजें, सैटेलाइट जो हम पृथ्वी की कक्षा में जो भेजते हैं उसे सैटेलाइट कहते हैं। स्पेस क्राफ्ट विच इज सेंट टू ऑर्बिट अदर देन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। जब हम किसी मानव निर्मित चीज को पृथ्वी की कक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह की कक्षा में भेजते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। और स्पेस शटल किसको कहते हैं? जिसमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम रहता है, ठीक है, और जिसमें एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स और हमारे इंडियन के कौन से क्या जाएंगे? व्योमनॉट्स जाते हैं और वहां से एक्सपेरिमेंट करके चले आते हैं। इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाई एस्ट्रोनॉट्स, एक्स्ट्रा वेकुलर एक्टिविटीज होती है वहां, क्या क्या प्रॉब्लम है, मेंस का क्वेश्चन है यहां से स्पेस शटल पे। तो यहां हम किसकी बातें किए? सैटेलाइट की बात की, ठीक है ना, जो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको? जो भी इसके मेंबर हैं, इंटरनेशनल चार्टर ऑन स्पेस एंड मेजर डिजास्टर, इस चार्टर पर जिन जिन देशों ने साइन किया है उस देश में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिजास्टर आता है तो इस चार्टर पे साइन करने वाले देश का अगर सैटेलाइट है तो वो सैटेलाइट क्या करेगा? डाटा उपलब्ध कराएगा। जैसे अभी रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड आया, उसका मैपिंग किया, फ्रांस ने किया, चाइना ने किया, रशिया ने किया, ठीक है, और वहां के बारे में जानकारी किसको दी? भारत को दी। क्यों दी भारत को? क्योंकि भारत ने 2001 में इस चार्टर पे साइन कर दिया। भारत भी करता है, अगर दूसरे देश में डिजास्टर आएगा तो भारत भी अपने सैटेलाइट का यूज करके उसके बारे में प्रॉपर डाटा उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो एक आप इसे भी देख लीजिएगा, आउटर स्पेस क्या होता है ये मैंने बताया, कर्मल लाइन क्या होता है ये मैंने बताया आपको, ठीक है। थॉलबैक प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? जब दो देशों के बीच वाटर बाउंड्री हो, वाटर हो, तो बाउंड्री डिसाइड कैसे किया जाएगा? जैसे इंडिया और चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और इसके बीच क्या कहते हैं, श्रीलंका के बीच, तो वहां कौन सा काम करता है? थॉलबैक प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। और कर्मल लाइन आउटर स्पेस, इसके नीचे 100 किलोमीटर धरातल से 100 किलोमीटर के ऊपर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कहते हैं कर्मल लाइन। उसके नीचे का जो एरिया है उसको कहते हैं इनर स्पेस, और ये इनर स्पेस बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर कंट्री।
अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि एक टर्की टर्की ने रशिया के प्लेन को मार गिराया, क्यों? बिना परमिशन के उसके एयर बाउंड्री में घुस गया था। तो उसी तरह हर एक देश को अधिकार है इस तरह करने का, ठीक है। आउटर स्पेस बिलोंग्स टू एवरीवन, एवरी कंट्री। आउटर स्पेस किसी का नहीं है, सभी देश का है। कोई भी देश इसमें अपना सैटेलाइट भेज सकता है, और सैटेलाइट किसे कहते हैं आपको मैंने बता दिया, सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस शटल, इन तीनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और स्पेस शटल पे तो क्वेश्चन ही पूछा है बेंस का कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है जो एस्ट्रोनॉट्स जाता है। हम भी जाएंगे 2021 या 20 में, देखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, 22 में जाएंगे, हमारा फर्स्ट मैन मिशन होगा स्पेस का, जिसमें हम लोग किसको भेजेंगे, 3 व्योमनॉट्स। हम उनको एस्ट्रोनॉट्स नहीं कहेंगे, हम उनको कॉस्मोनॉट नहीं कहेंगे, हम उनको क्या कहेंगे, व्योमनॉट्स कहेंगे। और हम लोग किससे भेजेंगे, तो हमारा जो स्पेस शटल होगा उसका नाम क्या है, गगनयान, जिसको हम लोग जीएसएलवी मार्क 3, ठीक है ना, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने नाम क्या दिया है, बाहुबली, ठीक है, उससे हम लोग भेजेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है आपको मैं बता देना चाहता हूं, बताता हूं माउंट एटेना के बारे में। ठीक है, माउंट एटेना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखिए मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का एक छोटा सा पार्ट है टायरेनियन सी, इटली के, आप साउथ वेस्ट में जाएंगे, मैप खोल के देखिएगा, इटली के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा जगह मिलेगा आपको, सी पार्ट मिलेगा, समुद्र का भाग मिलेगा, टायरेनियन सी, ठीक है ना। टायरेनियन सी, ठीक है। अब इसी सी में आपको सिसिली है, एक छोटा सा आइलैंड है, द्वीप है, इसी द्वीप पर माउंट एटेना, याद रखिएगा, सिसिली जो है मेडिटेरियन सी का पार्ट है, सिसिली इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, और सिसिली पे क्या है, माउंट एटेना है, माउंट एटेना इज अ वोल्केनो, और अभी इरप्ट हुआ है रिसेंटली, ठीक है, और इसमें अभी विस्फोट हुआ है। मेडिटेरियन सी में ही एक क्या है, टायरेनियन सी है, और इसी टायरेनियन सी में आपको लिपारी आइलैंड है, लिपारी आइलैंड, और इसी लिपारी आइलैंड में, आइलैंड पर क्या है, तो स्ट्रोम बोली, ये भी क्या है, एक वोल्केनो है, जिसको क्या कहा जाता है, द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि माउंट एटेना में अभी क्या हुआ है, एरप्शन हुआ है, ये यानी कि ये विस्फोट हुआ है इसमें, और बहुत सारे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब निकला है इसमें से, निकलता है वोल्केनिक इरप्शन जब भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन में, तो वाटर वेपर निकलता है, ये भी याद रखिएगा। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर मटेरियल,
जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे अधिक उस पे से जलवाष्प निकलता है। तो दो चीजें मैंने बताया, माउंट एटना कहां है, सिसिली, सिसिली द्वीप है, और एक किस सागर में है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में ही एक आपको टायरेनियन सी है, दक्षिणी पश्चिमी इटली के पास। इसी टायरेनियन सी में लिपारी आइलैंड है, और इसी लिपारी द्वीप पर मेडिटेरियन क्या है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है, और स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है, द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। और भूमध्य सागर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, लेकिन यह भी याद रखिएगा, इट इज द रिमेन्स ऑफ टैथिस सी। मेडिटेरियन सी जो है टैथिस सी का, टैथिस सागर का बचा हुआ भाग है। और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ विक्षोभ, ठंड में दिसंबर और नवंबर दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है, कहां, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में, वो वर्षा कहां से आती है, इसी मेडिटेरियन सी से आती है, जिसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भारत लेके आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।